बात करने वाले संकन स्लैब के बारे में। ये वाला जो वाला ये वाला ये है संकन स्लैब, जो कि जिसमें यहाँ पे टॉयलेट वगैरह जो आते हैं, टॉयलेट जो रहते हैं उसके लिए संकन स्लैब दिया जाता है, जो कि स्लैब से कम 8 इंच नीचे रहता है। ये 8 स्लैब की हाइट से 8 इंच डाउन रहता है। ये यहाँ पे दिया हुआ है S7, जो कि आप ड्राइंग में देखेंगे कि S7 में क्या दिया। S7 में 2-वे स्लैब दिया गया है, 2-वे, जो कि मैं आपको साइड पे अभी दिखाता हूँ। साइड वाली वीडियो जो है ये है S7। संकन स्लैब जो होता है ये जैसे आपका जो मेन स्लैब है, ये वाला जो मेन स्लैब है आपका, इससे जो है ये 8 इंच या फिर 6 इंच के से डाउन रहता है, ताकि यहाँ पे जो आपका पाइप रहता है पाइप को घुमाने के लिए यहाँ पे संकन स्लैब दिया जाता है, ताकि जो जो फ्लोर का हाइट में यहाँ पे आपका जो सीट वगैरह जो लग करके ये फ्लोर के हाइट के बराबर हो जाए। संकन स्लैब में जो रहता है स्टील जो बनता है डबल में बनता है, ये है 1-वे, यहाँ से ऐसे आए ये क्रैंक मोड़ के इधर के हाउ, ये है 2-वे। यदि आप संकन स्लैब जो है कि नहीं नहीं दे रहे हैं, अगर स्लैब पे संकन स्लैब का इस तरीके से इसको मेंशन करते हैं डॉट 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 में, तो अगर आप संकन स्लैब नहीं दे रहे हैं तो आपका जो स्लो स्लैब का जो टॉयलेट का जो हाइट है, ये आपका हो गया फ्लोर का हाइट, ठीक है, टाइल्स वाइल्स लग के मान लो यहाँ तक है, और इससे ये टॉयलेट है, यहाँ पे टॉयलेट लगा है, यहाँ पर 4 इंची पाइप या 3 इंची पाइप जो भी है जो घूमती है अंदर, तो अगर आप शीट लगा रहे हैं यहाँ यहाँ पे, तो फ्लोर लेवल से आपका जो है 1 फिट से 14 इंच तक ये बढ़ सकता है।